यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट टू की, और यहाँ पे जो फैक्चुअल डेटा है उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में और जितने भी जो एक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कहा जाए पूरा सब्जेक्ट तैयार होता है वो बात करेंगे हम। तो चैनल एफईटी में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन्स एवं पी चैनल एफईटी में धारा का प्रवाह केवल होल्स के कारण होता है। तो यहाँ एन चैनल में होगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण और पी चैनल में होगा होल्स के कारण, यानी पी से पॉजिटिव और होल्स में कौन सा चार्ज होता है, तो होल्स में होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एन टाइप में फ्लो होगा करंट। उसके बाद है एफईटी में गेट सोर्स वोल्टेज का वह मान जिस पर ड्रेन धारा पूर्णतः नियत हो जाती है पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है। क्या कहलाती है? पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है। फिर एफईटी का प्रयोग लॉजिक परिपथों में एफएम एवं टीवी रिसीवर में, कंप्यूटर मेमोरी परिपथ में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में और ऑडियो एम्पलीफायर के टोन परिपथ, यानी जो साउंड सिस्टम है जो वीक नॉइस है उसे स्ट्रॉन्ग और एम्पलीफाई और बढ़ा के हमें रिसीव हो सिग्नल, तो इसलिए एफईटी का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की भांति तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण यंत्रों में एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एम्पलीफायर का सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना के रिसीव करता है या आउटपुट देता है। इनपुट में होता है कि लो सिग्नल या नॉइस युक्त जो सिग्नल रहते हैं वो इसका इनपुट होता है, जबकि एम्पलीफाई उसे बढ़ा के और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। फिर है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी मोसफेट। तो मोसफेट को कहा जाता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही बात है, अगर इन दोनों की कहीं भी बात हो तो हम समझ जाएंगे कि ये एक ही की बात हो रही है। डिप्लीशन टाइप मोसफेट को सामान्यतः ऑन मोसफेट कहा जाता है। उसके बाद है मोसफेट का प्रयोग। तो इसका उपयोग ऑसिलोस्कोप में, इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर में, लॉजिक परिपथ में, टीवी रिसीवर में, एफएम के मिक्सर में, ये मिक्सर भी एक साउंड प्रोसेस की एक इम्पोर्टेंट यूनिट होती है मिक्सर, तो मिक्सर में तथा कंप्यूटर मेमोरी में परिवर्ती प्रतिरोध वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर के रूप में किया जाता है मॉस्फेट का प्रयोग। पावर मॉस्फेट को डिफ्यूज्ड मॉस्फेट भी कहा जाता है, ये यहाँ मॉस्फेट है, तो पावर मॉस्फेट को डिफ्यूज्ड मॉस्फेट भी कहा जाता है। पावर मॉस्फेट का प्रयोग निम्न वोल्टेज स्विचों में, निम्न वोल्टेज मोटर नियंत्रक में, एसी डीसी आपूर्ति में तथा इन्वर्टर व यूपीएस में। यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। ये आपने देखा होगा कंप्यूटर के साइड में एक छोटा सा बॉक्स जैसा लगा होता है, एक तरीके से ये बैटरी ही है, पर जैसे ही कंप्यूटर हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में और लाइट गोल होती है तो ये जो है हमारा डेटा मिटने नहीं देता, सुरक्षित रखता है, क्योंकि ये कंप्यूटर को ऑफ ही नहीं होने देता। जैसे ही लाइट चली जाती है तो ये अपना काम इंस्टेंट शुरू करता है और
बिना कंप्यूटर को डिस्टर्ब किए बंद किए ये अपना कार्य करता है, जिससे कंप्यूटर बंद ना हो और हमारा डेटा भी सुरक्षित रहे। एसईआर डायोड की भांति एक दिशीय, हम बात कर रहे हैं एसईआर की, और एसईआर डायोड जो है एक दिशा में कार्य करने वाला एक डिवाइस है, परंतु एसईआर की स्विचिंग प्रक्रिया को इसमें लगे एक अतिरिक्त टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल, गेट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये एक्स्ट्रा एक टर्मिनल लगा होता है और इसी टर्मिनल के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। एससीआर एक चार लेयर, एससीआर में कितनी लेयर होंगी, इसमें होगी चार लेयर एवं तीन जंक्शन वाली युक्ति है, जिसे थायरिस्टर, ये थायरिस्टर फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट एक डिवाइस होता है, एक तरीके से ये थायरिस्टर ही है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है घुमाने के लिए, थायरिस्टर एससीआर ये अलग अलग वो दिखाने की कोशिश करता है पेपर में, पर ये एक ही है। एससीआर का प्रयोग एसी डीसी मोटर गति नियंत्रण में, तापमान व प्रकाश नियंत्रण में, डीसी स्विच के रूप में, इन्वर्टर के रूप में, रिले एवं ऊष्मा नियंत्रण में, लॉजिक एवं डिजिटल परिपथों में, तथा रेगुलेटेड पावर सप्लाई व बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। ये एससीआर इतनी जगहों में ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे बैटरी को कितनी चार्ज करना है, एक लिमिट के बाद वो बैटरी को चार्ज नहीं होने देता है। ऐसे ही ये ऊष्मा जो टेम्परेचर है किसी भी चीज़ का कितना बढ़ेगा, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट गर्म होते हैं और ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट जो पावर सप्लाई है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो यहाँ पे वर्क करता है कौन, एससीआर। वैसे ही डायक भी एक डिवाइस है, तो डायक जो है एक दिशीय, माफ कीजिएगा, डायक जो है एक दिशा में वर्क करने वाला एक डिवाइस है। पीएन ये युक्ति है, और ये भी थायरिस्टर परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और डायक को तीन परतों वाला ट्रिगर डायोड भी कहा जाता है, तीन परतें इसमें होती है इसलिए इसे कहा जाता है तीन परतों वाला डायोड, और इसका प्रयोग जो है ट्रायक की ट्रिगरिंग में, यानी जो ट्रायक है, ट्रायक भी एक थायरिस्टर परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, तो ट्रायक की ट्रिगरिंग में, ट्रायक को स्टार्ट करने में किया जाता है डायक का उपयोग। मोटर की गति नियंत्रण में, ऊष्मा नियंत्रण में, युक्तियों में, तथा प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर युक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है डायक का। फिर ट्रायक, तो ट्रायक एक तीन टर्मिनल युक्त पांच लेयर, अब यहाँ पे हो गई इसमें कितनी, पांच लेयर होगी, तो पांच लेयर वाली द्वि दिशात्मक, यानी ये दोनों दिशा में वर्क करेगा, तो दोनों दिशा में वर्क करने वाला एक अर्धचालक डिवाइस है। ट्रायक को दिष्ट धारा द्वारा प्रचालित नहीं किया जा सकता, यानी ये एसी में वर्क करेगा। ट्रायक का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा शक्ति नियंत्रकों में, एससीआर की ट्रिगरिंग में, ये एससीआर जब भी स्टार्ट होगा एससीआर, तो हम यूज़ करेंगे ट्रायक का। तो एससीआर की ट्रिगरिंग हेतु एसी स्विच में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है ट्रायक का। अब है गेट टर्न ऑफ जेटीओ, तो गेट टर्न ऑफ स्विच को दो विपरीत ट्रांजिस्टर, कौन कौन से दो विपरीत ट्रांजिस्टर, एनपीएन और पीएनपी, पीएनपी और एनपीएन के बेस कलेक्टर
टर्मिनल को जोड़कर बनाया जाता है। जेटीयू के गेट पर रेड पल्स प्रदान करके इसे ऑफ किया जाता है, जबकि एससीआर को ऑफ करने के लिए उसके एनोड वोल्टेज को लगभग 20 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ करना पड़ता है। जब भी हम एससीआर को ऑफ करेंगे, जेटीयू का प्रयोग ट्रिगर परिपथ में तथा संवेदनशील आवृत्ति इन्वर्टर्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संवेदनशील आवृत्ति और इन्वर्ट में किया जाता है। फिर है डिजिटल आईसी का प्रयोग, जो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो इसका आउटपुट उसके इनपुट के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब है डीसी पावर सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन पावर सप्लाई की आउटपुट धारा के मान के मान पर निर्भर करता है। एक बार और देख लेते हैं, डीसी पावर सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन पावर सप्लाई की आउटपुट धारा के मान पर निर्भर करता है, जो कि वोल्टेज रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। फिर है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों को रेगुलेटेड वोल्टेज प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की रेगुलेटर आईसी का प्रयोग किया जाता है, और ये स्थिर वोल्टेज प्रदान करती है, क्योंकि एक स्थिर वोल्टेज प्रदान ये डिवाइस करे, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो परिपथ है, सर्किट है, उसका उपयोग करते हैं, और साथ में जो भी डिवाइस लगी होती है वो भी यह कार्य करती है। डिजिटल प्रणाली जो बाइनरी है, तो डिजिटल प्रणाली बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित है, जिसमें केवल दो अंक कौन से, जीरो और वन का प्रयोग होता है, जीरो और वन का प्रयोग होता है। बाइनरी संख्या पद्धति का बेस या रेडिक्स दो होता है, कितना होता है? दो होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति का बेस 8 होता है, दो होता है बाइनरी संख्या पद्धति का, लेकिन ऑक्टल संख्या पद्धति का बेस कितना होगा? इसका होगा 8 होगा। ये जब भी हम नंबर सिस्टम जब देखते हैं, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सेशन, तो उसमें ये हमें ध्यान रखना होता है। तथा इसमें 0, 1, 2, 7, 8, तो ये ऑक्टल की बात हो गई, और डेसिमल संख्या पद्धति का बेस 10 होता है। जो डेसिमल है उसमें आपको जब भी चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो ध्यान रखना होगा कि डेसिमल संख्या पद्धति का बेस कितना होता है? 10 होता है। और इसमें 0, 1, 2, 3 और यहाँ से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। अब है हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, इसका बेस होगा कितना? 16 इसका बेस होता है। तथा इसमें 1, 2, 3 यहाँ से लेके 9 तक, और जो 10 है उसके बाद से हम बोलना स्टार्ट कर देंगे ए बी सी डी ई ये एफ, ये ऐसा 16 यानी 16 तक ये रहता है कौन सा? हेक्साडेसिमल। फिर है किसी भी संख्या प्रणाली में संख्या का सबसे दायां, ये दायां है, सबसे दायां अंक न्यूनतम सार्थक अंक एलएसबी, जबकि बायां अंक है, बायां अंक कहलाएगा क्या? एमएसबी कहलाता है। फिर है सामान्यतः सभी कंप्यूटर बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो भी हम वर्ग देखते हैं कंप्यूटर में वो बाइनरी 0 और 1 पे आधारित है। तो बाइनरी पद्धति में 0 का अर्थ ऑफ होता है,
या फिर ऑफ अगर ना कहना चाहे तो असत्य भी कई जगह आ जाता है। तो जीरो का मतलब ऑफ, असत्य या छोटा निम्न होता है, जबकि वन का मतलब होता है ऑन, सत्य या उच्च श्रेष्ठ जो है वन का मतलब होता है। जैसे हम जो लॉजिक गेट में जो आउटपुट हमें मिलता है तो उसमें होता है ना कि जीरो मिला आउटपुट में या वन मिला, तो ये वही सिग्नल की बात यहाँ पर हो रही है। एक निबल में, अभी मेमोरी डेटाबेस से ये फैक्ट है, एक निबल में 4 बिट होती है। कितनी बिट होती है? 4 बिट होती है, जो कि बाइनरी पद्धति की सबसे छोटी इकाई है। आपसे अगर पूछा जाए कि मेमोरी पद्धति में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा निबल। क्या होगा? निबल सबसे छोटी इकाई। जबकि 1 बाइट में 2 निबल, 1 बाइट में 2 निबल, 2 निबल मतलब 8 बिट, क्योंकि यहां लिखा है जो 1 बाइट है, जो 1 बाइट है वो 4 निबल उसके बराबर है, तो 2 निबल के बराबर होगा 8 बिट। 1 वर्ड में 2 बाइट, 1 वर्ड में 2 बाइट अथवा 16 बिट होते हैं। 1 वर्ड की बात हो रही है, 1 वर्ड में 2 बाइट या 16 बिट होती है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंकों व अक्षरों दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे अल्फा न्यूमेरिकल संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। अब यहाँ 1 किलोबाइट में 1024, ये एक और मेमोरी से रिलेटिव फैक्ट है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। 1 मेगाबाइट में कितनी होगी? 1 मेगाबाइट में होगी 1024 किलोबाइट। और ये लिखा है नॉट गेट, और गेट तथा एंड गेट बेसिक लॉजिक गेट कहलाते हैं। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जब 0 और 1 की इनपुट और आउटपुट वाली जब हम यहाँ थ्योरी पढ़ रहे थे, तो ये जो गेट है यहाँ पे इनका यूज होता है। नॉट गेट एक प्रकार का इन्वर्टर परिपथ है। जो नॉट गेट है एक तरीके से वो इन्वर्टर परिपथ है, क्योंकि जो भी जो दिए गए बाइनरी इनपुट को उसके पूरक में परिवर्तित कर देता है। किसमें? उसके जो पूरक है, जो पूरक आउटपुट रहेगा वो उसमें चेंज कर देगा। और गेट के बारे में देखें तो और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसके दोनों इनपुट टर्मिनल में से कोई एक अथवा दोनों उच्च होने पर आउटपुट उच्च संकेत प्राप्त होगा। जैसे दो इनपुट है, अगर किसी में भी 0 रहा तो आउटपुट डेफिनेटली 0 ही रहेगा, यानी निम्न ही रहेगा। तो इसके लिए चाहिए कि दोनों आउटपुट वन आउटपुट सेकंड ये एक एक रहे, यानी उच्च रहे, तो ही आउटपुट हमें उच्च प्राप्त होगा। और यदि और गेट के दोनों इनपुट में निम्न या फिर शून्य इनपुट दिए जाए तो आउटपुट भी निम्न या शून्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, ये जो लाइन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना होगा। ये जो ट्रुथ टेबल है एंड गेट की और गेट की, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होता है, अच्छे से देखना होता है। कई बार जब हम देखेंगे तो वो आसानी से इजीली याद हो जाती है। जैसे ये एंड गेट है, तो एंड गेट में क्या होगा? जो सभी इनपुट टर्मिनल्स हैं वो उच्च संकेत देने पर आउटपुट उच्च प्राप्त होगा, यानी एक भी 0 रहा, एक भी सिग्नल, तो वो आउटपुट 0 ही देगा। और जो नॉर और नैंड गेट है, ये गेट कहलाते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, क्या कहलाते हैं ये नॉर और नैंड गेट? यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाते हैं।
वह परिपथ जिसका आउटपुट केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है क्या कहलाता है, वो संयुक्त लॉजिक परिपथ कहलाता है, अर्थात मेमोरी टाइमिंग एवं फीडबैक पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो संयुक्त लॉजिक गेट है इसके लिए जो निर्भरता है किस पे रहती है, सिर्फ वर्तमान पे ये निर्भर करता है। एडर, अब एडर जो बाइनरी बिट को जो जोड़ने का काम करता है, जो आपने देखा होगा हाफ एडर फुल एडर, तो ये बाइनरी बिट को ऐड करने का काम करता है एडर। तो यह एक ऐसा लॉजिक परिपथ है जिसका उपयोग बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए एडर का उपयोग हम करते हैं। और दो बाइनरी बिट को जोड़ने के लिए हाफ एडर, ध्यान रखिए बाइनरी बिट में दो बाइनरी बिट अगर जुड़ रही है तो वहाँ पे यूज़ होगा हाफ एडर का, और जबकि तीन बाइनरी बिट अगर हमें जोड़ना है तो हम यूज़ करेंगे फुल एडर का। दो बाइनरी संख्याओं की तुलना करने के लिए जिस लॉजिक परिपथ का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कंपैरेटर। क्या कहते हैं? कंपैरेटर, क्योंकि ये तुलना कर रहा है। मल्टीप्लेक्सर को डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं, जो मल्टीप्लेक्सर होता है क्योंकि इसमें कई इनपुट होते हैं और आउटपुट कम होते हैं, ज़्यादा इनपुट होते हैं और आउटपुट कम होता है, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर को डाटा सिलेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा अनेक इनपुट लाइनों में से किसी एक का चयन करके आउटपुट पर प्राप्त किया जाता है। मल्टीप्लेक्सर में 2n इनपुट लाइन तथा n सिलेक्शन लाइन होती है। वह परिपथ जिसका आउटपुट तत्कालिक इनपुट के अतिरिक्त, यानी जो प्रेजेंट का इनपुट है इसके अलावा भी मेमोरी तत्व पर निर्भर करता है, तो ये कहलाता है अनुक्रमिक लॉजिक गेट, ये कहलाता है। फिर ये है फ्लिप फ्लॉप, जो रजिस्टर में जिसका डेटा या एक मेमोरी के रूप में हम उपयोग करते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप का एक अनुक्रमिक स्विचिंग परिपथ होता है जिसमें एक बिट का संग्रह करने के लिए दो स्टेबल स्टेट, अब दो स्टेट कौन सी, जीरो तथा वन का प्रयोग किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप में एक बिट का भंडारण करता है, जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक बिट का भंडारण करता है जो कि बिट सूचना के रूप में लॉक होती है, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज है तो बिट के रूप में ही होगा, तो ये एक बिट का भंडारण करती है, जिस कारण इस परिपथ को लैच भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं लैच। अब ये डी फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप का टाइप है, तो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसे डिले फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जाना जाता है, ये थोड़ी देरी से काम करता है इसलिए इसे डिले फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। रजिस्टर एक लॉजिक परिपथ ब्लॉक होता है जो बाइनरी सूचनाओं को संग्रह करने और स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रजिस्टर में यूज होता है फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि डेटा हम स्टोर करेंगे बाइनरी बिट के फॉर्म में। एक सामान्य रजिस्टर जो एक बाइनरी बिट को अस्थायी रूप से संग्रह करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो कहलाता है बफर रजिस्टर कहलाता है। बफर रजिस्टर के बारे में और देखते हैं, तो बफर रजिस्टर को डी फ्लिप फ्लॉप द्वारा बनाया जाता है। शिफ्ट रजिस्टर को टाइम डिले उत्पन्न करने, श्रेणी डेटा को समांतर डाटा में परिवर्तित करने और संयुक्त परिपथों के सरलीकरण में प्रयोग किया जाता है ये शिफ्ट रजिस्टर। और अब काउंटर का प्रयोग किया जाता है डिजिटल क्लॉक में, समय मापन में, एनालॉग में, डिजिटल परिवर्तक में,
आवृत्ति विभाजक में और डिजिटल त्रिभुजाकार तरंग जनित्रों में प्रयोग किया जाता है काउंटर का। फिर ये ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन होता है। जो ट्रांजिस्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, तो ये अपना वर्क करता है निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर। ट्रांजिस्टर को दो जंक्शन डायोड को बैक टू बैक संयुक्त करके जो ट्रांजिस्टर का जो निर्माण है वो किया जाता है डायोड से। और डायोड भी कौन से, बैक टू बैक दो डायोड, कौन कौन से, पीएन और एनपीएन। तो पीएन पीएन ट्रांजिस्टर के एमिटर में तीर का जो चिन्ह होता है उसमें तीर का चिन्ह लगा रहता है, तो वो अगर अंदर की ओर है, वो एक अंदर की ओर होता है और एक बाहर की ओर होता है। तो एनपीएन में होता है एमिटर में तीर का चिन्ह अंदर की ओर, जबकि ये एनपीएन में, तो एनपीएन में होगा बाहर की ओर, जबकि पीएन में अंदर की ओर। ट्रांजिस्टर निर्माण के लिए प्रायः जंक्शन विधि, कौन सी विधि, जंक्शन विधि विधि तथा बिंदु स्पर्श विधि का प्रयोग किया जाता है। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी एक तीन टर्मिनल वाली युक्ति है। इसके टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं, एमिटर, बेस तथा कलेक्टर, इसके तीन टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल्स में सबसे जो उच्च डोपिंग स्तर है वो होगा एमिटर का, इसके पश्चात कलेक्टर का, और फिर सबसे निम्न होता है बेस का, बेस का सबसे कम और एमिटर का सबसे ज़्यादा, ये हाईली डोप्ड होता है एमिटर। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर का कार्य बेस के अधिकांश बहुसंख्यक आवेश वाहकों को ग्रहण कर एकत्रित करना है, इसलिए इस भाग का क्षेत्रफल एमिटर तथा बेस की अपेक्षा अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होता है वो किसका होता है, कलेक्टर का होगा। बेस के बारे में बात करें तो बेस ट्रांजिस्टर का निम्नतम डोपिंग, लो डोपिंग स्तर का ये होता है कौन, बेस, और निम्नतम चौड़ाई वाला भाग होता है। ट्रांजिस्टर को सक्रिय क्षेत्र में प्रचलित यानी ट्रिगर करने के लिए एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड, ध्यान रखिए फॉरवर्ड और रिवर्स दो स्टेज होती है, तो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है। ट्रांजिस्टर परिपथों में, ट्रांजिस्टर परिपथ में एमिटर धारा का मान कलेक्टर धारा तथा बेस धारा के मानों के योग के बराबर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इलेक्ट्रॉन्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। आप पी से पॉजिटिव यानी होल्स को भी अगर याद रखना है आपको, तो पी फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज होगा होल्स के पास और नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के पास, ये ऐसा याद रख सकते हैं। ट्रांजिस्टर की कार्य क्षमता पर ताप परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जितना वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस में भी कमी आएगी। ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर, कॉमन बेस तथा कॉमन कलेक्टर अभिविन्यास में प्रयोग किया जाता है। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में एमिटर धारा आई तथा एमिटर बेस के मध्य वोल्टेज के मध्य खींचा गया वक्र इनपुट अभिलक्षण वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, इनपुट अभिलक्षण वक्र कहलाता है। कॉमन बेस अभिविन्यास का प्रयोग एम्पलीफायर परिपथ में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। इसके लिए
इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। फिर है ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास का ट्रांसफर, ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास का ट्रांसफर अभिलक्षण वक्र रेखीय प्रकृति का होता है। कॉमन कलेक्टर परिपथ को वोल्टेज फॉलोअर्स अथवा एमिटर फॉलोअर्स परिपथ भी कहा जाता है। ट्रांजिस्टर के बारे में और आगे बात करते हैं, तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन क्षेत्र में ऑन स्विच तथा कट ऑफ क्षेत्र में ऑफ स्विच की भांति कार्य करता है, क्योंकि हम जान चुके हैं, हमें पता है कि ट्रांजिस्टर स्विचिंग का कार्य करता है, तो ये कट ऑफ क्षेत्र में ऑफ स्विच की भांति कार्य करता है। ट्रांजिस्टर की बेस प्रतिरोधक बायसिंग विधि, जो विधि है जिससे वो कार्य करता है, तो बायसिंग विधि रेखीय प्रवर्धक, ये एम्पलीफिकेशन होता है इसका इंग्लिश मीनिंग, तो प्रवर्धक के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए और स्विचिंग के रूप में किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर की धारा रेटिंग इसके जंक्शनों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एवं शक्ति क्षय क्षमता पर निर्भर करती है। फिर है ट्रांजिस्टर का सर्वाधिक प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में स्विच एम्पलीफायर एवं वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि हम बात कर चुके हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में बंद स्विच के रूप में एवं कट ऑफ मोड में खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर सक्रिय यानी एक्टिव मोड में एम्पलीफायर के समान कार्य करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।